गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्कूल ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामपुर। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, दैट इज मोशन एंड टाइम। मोशन एंड टाइम आज हम पढ़ने वाले हैं कि मोशन एंड टाइम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि मोशन क्या होता है। बताइए कि मोशन क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोशन? मोशन क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ मोशन, एंड टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं मोशन क्या था। अच्छा ये बताइए, जैसे मान के चलिए ये एक बस ट्रेवल कर रही है, एक बस ट्रेवल कर रही है, ठीक है, और इसके साथ में इसके पैरेलल एक और बस ट्रेवल कर रही है। दोनों एकदम एग्जैक्टली पैरेलल है और दोनों का जो स्पीड है मान के चलिए कि 40 किलोमीटर पर सेकेंड है, 40 किलोमीटर पर सेकेंड है। ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये ए है और ये बी है, ओके। ये मान के चलिए मेरा शॉप है, मान के चलिए कि राम शॉप, ये हो गया मेरा श्याम शॉप, ठीक है। देखिए हम लोग जो कोई भी चीज़ को जब मोशन डिफाइन करते हैं, हम जब कभी भी मोशन जब डिफाइन करते हैं ना, तो हमें मोशन डिफाइन करने के लिए एक रेफरेंस की ज़रूरत होती है। मोशन को हम कभी भी डिफाइन करें, हमें एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है। बिना रेफरेंस के हम लोग मोशन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जितने भी मोशन हैं सब क्या होते हैं, रिलेटिव मोशन होते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे कि बी के रेस्पेक्ट में ए का मोशन क्या है, बी के रेस्पेक्ट में ए का मोशन क्या है, बताइए। गुड इवनिंग ओमकार, मुझे बताइए कि बी के रेस्पेक्ट में ए का मोशन क्या है। What is the motion of bus A, ठीक है, with respect to bus B। मतलब ये जो हो गया, ये आपका बस B जो हो गया, ये आपका reference point हो गया। बताइए बस ए है, बस बी है, दोनों एग्जैक्टली पैरेलल चल रही है, दोनों का जो स्पीड है वो भी इक्विवेलेंट है। कितना दोनों का स्पीड, 40 किलोमीटर पर सेकेंड। अब आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बस ए का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू बस बी क्या है। ओमकार जी बताइए, बस ए का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू बस बी का स्पीड क्या है। देखिए मैंने बताया था कि हम मोशन कभी भी डिफाइन करते हैं ना, तो मोशन के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो यहां देखिए, अगर मैं पूछ रहा हूं आपसे कि बस ए का स्पीड क्या है विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो भाई दोनों पैरेलली चल रहे हैं। मतलब अगर बस बी को मैंने रेफरेंस माना है, तो बस ए क्या होगा, बस ए आपका रेस्ट पे है। कैसे रेस्ट पे है, अभी मान के चलिए कि 5 मिनट के बाद भी आप देखिएगा दोनों पैरेलली मूव कर रहे हैं, ठीक है। मतलब दोनों का मूवमेंट हुआ ही नहीं है। तो यहां पे मोशन क्या होगा जीरो होगा, ठीक है, मोशन आपका जीरो होगा। लेकिन मैं वही पूछूं कि बस ए का मोशन विथ रिस्पेक्ट टू राम शॉप, तो हाँ इसमें मोशन है, क्योंकि जैसे जैसे बस आगे जाते जा रही है, जो आपका राम शॉप है पीछे जा रहा है, मतलब बस मूवमेंट कर रही है, बस में मोशन है, ठीक है। तो हम लोग इस, ठीक है, और अगर मैं बोलूं कि बस ए का मोशन विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो जीरो होगा। क्यों, बस ए और बी जो है दोनों पैरेलली मूव कर रही है, दोनों के स्पीड सेम है, मतलब दोनों कॉन्स्टेंट है। तो रिलेटिव मोशन क्या होगा, रिलेटिव मोशन यहां जीरो होगा, ओके। ओके चलिए, तो अब मोशन, आज हम टाइप्स ऑफ थोड़ा मोशन स्टडी करते हैं। मोशन के टाइप्स कितने होते हैं, मोशन के अगर टाइप्स देखिएगा जो यहां पे दिया हुआ है, तो मोशन के जो टाइप्स है देखिए क्या है। पहला है रेक्टिलिनियर मोशन। मतलब क्या होता है,
ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर का मोशन क्या होता है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। हम लोग ज़्यादा डेप्थ में स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि हम क्लास 7 की एनसीईआरटी स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें जितना दिया है उतनी हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन मतलब क्या होता है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अब जो हम बात कर रहे हैं पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन मतलब क्या होता है, द मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ, रिपीट इटसेल्फ आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, वो मोशन जो अपने आप को रिपीट कर रहा है आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे मान के चलिए कि ये अपना अर्थ है, ठीक है ना, ये मून है, ये क्या है, ये मून है, ठीक है ना, ये मून है, ये क्या है, पीरियोडिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। मून जो है आपका अर्थ का, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, एंड आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम अगेन ये मोशन को रिपीट करेगा, अगेन ये मोशन को रिपीट करेगा। तो ये क्या है, ये आपका पीरियोडिक मोशन है, ये आपका क्या है, पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर हम पीरियोडिक मोशन को थोड़ा सा, पीरियोडिक मोशन के अंदर में ही आएगा आपका एक आएगा ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है ना, ऑसिलेटरी मोशन। ये ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, देखिए ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, अगर हम पेंडुलम को कंसीडर करते हैं, जैसे मान के चलिए मेरा पेंडुलम है, ये मेरा पेंडुलम है, ठीक है, दिस इज माई पेंडुलम। जो पेंडुलम है ये ऑसिलेट करता है, जैसे ये आपका ए पोजीशन है, ये ओ पोजीशन है, ठीक है ना, इसको अगर हम टानते हैं, टानने का छोड़ते हैं तो क्या करेगा, ये ऑसिलेट करेगा, ये ऑसिलेट करेगा, ठीक है, दिस विल ऑसिलेट ए से लेकर बी पॉइंट तक, ठीक है ना। जो पेंडुलम है, अगर आप पेंडुलम को ऐसे लेते हैं, ठीक है, उसके बाद ये क्या हो रहा है, पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, पेंडुलम जो है ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है ना, ये इसका मीन पोजीशन है, ये दोनों क्या है, इसका एक्सट्रीम पोजीशन है, तो ये ऑसिलेट कर रहा है पेंडुलम जो है। देखिए ए इसका क्या एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन है, और बी क्या है आपका, एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन है। तो जो पेंडुलम है वो क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट करेगा इन बिटवीन द टू एक्सट्रीम पॉइंट्स, है ना। पेंडुलम क्या, पेंडुलम जो बॉब है, पेंडुलम बॉब जो होता है, पेंडुलम बॉब, इट विल ऑसिलेट इन बिटवीन द टू एक्सट्रीम पॉइंट्स, इन बिटवीन द टू एक्सट्रीम पॉइंट्स, इन बिटवीन द टू एक्सट्रीम पॉइंट्स। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, हमने देखा है रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे बस जो है स्ट्रेट रोड, स्ट्रेट कोई बस, गाड़ी, बाइक, कुछ भी है जो स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है, वो हमारा रेक्टिलिनियर मोशन है। पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है वो मोशन जो आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, वो मोशन जो रिपीट करता है। जैसे अगर हम कंसिडर करते हैं मून, जो कि आपका अर्थ का, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम वो क्या करेगा, फिर से वापस रिपीट करेगा। जो सन, जो अर्थ है वो किसके, सन के अराउंड, वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब आफ्टर 365 डेज एंड 6 आवर्स के बाद वो फिर से वापस वो मोशन को रिपीट करेगा, तो वो क्या हो गया, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन के अंदर में क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है, ऑसिलेटरी मतलब ऑसिलेट करेगा, वो अपना एक फिक्स पॉइंट पे ऑसिलेट करेगा, ठीक है, ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेटरी मोशन हो गया। देखिए ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है, थोड़ा सा अगर अंदर हम लोग समझते हैं, तो ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है, एक रेस्टोरिंग फोर्स होता है, रेस्टोरिंग फोर्स, ठीक है ना। जैसे मैं पेंडुलम को, ये दिस इज माय पेंडुलम, ये अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, ये अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन में, अगर इस पेंडुलम को मैं यहाँ लेके जाता हूँ, यहाँ से जब इसको छोड़ता हूँ, तो यहाँ से छोड़ने का एक रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है, जो कि पेंडुलम को कोशिश करता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ला सके, ठीक है। तो ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है, एक रेस्टोरिंग फोर्स होता है, ठीक है, रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है।
ठीक है, इससे ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे हम लोग। तो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड रिगार्डिंग द मोशन। तो मोशन कितने तरीके का होते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन भी होता है, सर्कुलर मोशन भी होता है। ठीक है, चलिए तो हमने ये स्टडी किया। अब देखिए, ओके चलिए, अब जो है अगर हमें पता करना है कि कोई बॉडी फास्ट मूव करे कि स्लो मूव कर रही है तो कैसे पता करेंगे। अगर हमें पता करना है कि कोई बॉडी फास्ट मूव कर रही है स्लो मूव कर रही है, वो हम लोग कैसे पता करेंगे, वो हम लोग पता करेंगे आपके स्पीड से। स्पीड कितनी होती है, स्पीड क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पीड, स्पीड का मतलब क्या होता है, स्पीड का मतलब क्या होता है, स्पीड का आप किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए, यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद द वर्ड स्पीड इन द एग्जाम्पल्स गिवन अबव। ए हायर स्पीड सीम्स टू इंडिकेट दैट ए गिवन डिस्टेंस हैज बीन कवर्ड इन शॉर्टर टाइम। अगर मैं पूछता हूँ कि दो व्हीकल चल रही है, उसमें से आप कैसे बता पाइएगा कौन सा फास्ट है और कौन सा स्लो है, कौन सा फास्ट है कौन सा स्लो है, तो आप किस तरीके से बता पाइएगा। आप क्या कीजिएगा, दोनों का स्पीड मेजर कीजिएगा। या मान के चलिए कि आपको 100 किलोमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है और दो व्हीकल को उसको कवर करना है, तो आप देखिएगा कि कौन सा व्हीकल है जिसने उसको फास्ट मोड में कवर किया। देखिए, सपोज मान के चलिए आपको अगर पता करना है कि कौन सा व्हीकल फास्ट है या स्लो है, ठीक है ना, तो आप क्या कीजिएगा, सपोज ये 100 किलोमीटर का रोड है, ठीक है ना, दो व्हीकल ने यहाँ से स्टार्ट किया, तो आप ये टाइम मॉनिटर कीजिएगा कि कौन सा व्हीकल कितना टाइम लेता है। सपोज जो व्हीकल ए है उसका टाइम क्या है, T1 है, और व्हीकल बी है उसका टाइम क्या है, T2 है। तो व्हीकल ए जो है वो कितने देर में पहुँचता है, जो व्हीकल ए है वो आपका मान के चले कि 2 आवर्स में पहुँचता है, 2 आवर्स, और जो व्हीकल बी है वो आपका 4 आवर्स में पहुँचता है, ठीक है। एक 100 किलोमीटर का रास्ता है, उसमें व्हीकल ए जो है वो कितना देर ले रहा है, वो 2 घंटा ले रहा है पहुँचने के लिए, और जो व्हीकल बी है वो कितना समय ले रहा है, 4 घंटा ले रहा है। तो इससे आपको पता चल जा रहा है कि हाँ, जो व्हीकल ए है उसका स्पीड ज़्यादा है। क्यों, वो सेम डिस्टेंस वो कम टाइम में कवर कर रहा है, सेम डिस्टेंस जो है वो कम टाइम में कवर कर रहा है। तो स्पीड मतलब क्या होता है, देखिए स्पीड जो होता है जनरली, स्पीड होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। तो देखिए इसका ये कितना 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, अगर हम ए का कैलकुलेट करते हैं, स्पीड ऑफ ए अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा, 100 किलोमीटर है डिस्टेंस, टाइम कितना है 2, तो स्पीड कितना हो गया, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और अगर बी की बात करते हैं, स्पीड ऑफ बी की अगर बात करते हैं हम लोग, तो बी का स्पीड कितना है 100, टाइम कितना ले रहा है वो 4, तो कितना हो गया 25 किलोमीटर पर आवर, है ना, 25 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड किसकी ज़्यादा है, स्पीड आपकी ए की ज़्यादा है, स्पीड जो है वो आपकी ए की ज़्यादा है, ठीक है। और जब हम लोग कोई मान के चलिए कि सपोज ये रास्ता है, ठीक है, सपोज ये रास्ता है, ठीक है, चलिए ओके, तो हमने स्पीड समझ लिया कि स्पीड क्या होता है। स्पीड से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा बॉडी आपका फास्ट है और कौन सा बॉडी आपका स्लो है, ठीक है, चलिए। लेकिन जो हम लोग स्पीड शब्द जो प्रयोग करते हैं, स्पीड जो शब्द, देखिए स्पीड का क्या हमने बताया ना, स्पीड का क्या होता है, स्पीड जो होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, चलिए। इन एवरी डे लाइफ वी सेल्डम फाइंड ऑब्जेक्ट्स मूविंग विथ ए कॉन्स्टेंट स्पीड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस और फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इफ द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए अगर कोई व्हीकल है वो क्या कर रहा है, व्हीकल एक स्पीड चेंज करते चला जा रहा है। मान के चलिए कि सपोज यहाँ देखिए, ठीक है,
सपोज मान के चलिए कि 100 ये आपका 100 किलोमीटर का रास्ता है, ये हमने फ्रैक्शन में डिवाइड कर दिया, कोई अगर व्हीकल है, मान के चलिए ये व्हीकल है, ये पहला जो एरिया है मतलब पहला जो डिस्टेंस है उसने कितना में कवर किया, 40 किलोमीटर पर आवर में कवर किया, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर में कवर किया। उसके बाद जो दूसरा जो है उसने जो दूसरा जो डिस्टेंस है इसने कवर किया 60 किलोमीटर पर आवर में, और मान के चलिए कि जो तीसरा है उसने कवर किया 50 किलोमीटर पर आवर पे, ठीक है ना, पर आवर पे। देखिए स्पीड क्या है, स्पीड चेंज हो रहा है, मान के 30 किलोमीटर इसने चला 40 किलोमीटर, और उसके 40 किलोमीटर फिर चला 60 किलोमीटर, और फिर बाकी का 30 किलोमीटर इसने चला 50 किलोमीटर, ठीक है। तो ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि स्पीड चेंज हो रहा है, ठीक है। और यही दूसरा जो व्हीकल है, ये 100 किलोमीटर का रास्ता है, उसने पूरा डिस्टेंस कवर किया है 50 किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये आपका होगा यूनिफॉर्म स्पीड, ये होगा आपका यूनिफॉर्म स्पीड, ओके। तो समझ में आया कि आपके पास दो है, एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एक है यूनिफॉर्म स्पीड। ये 100 किलोमीटर का रास्ता है, आप बाइक से पहले जा रहे हैं, पहले स्टार्टिंग में आपने क्या किया, आराम से चले 40 किलोमीटर स्पीड पे चले, फिर आपने फास्ट चलाया 60 किलोमीटर, फिर आपने चलाया 50 किलोमीटर, मतलब जो आपकी स्पीड है वो चेंज हो रही है, स्पीड जो है कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो ये आपका क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और अगर आप कंटिन्यूसली ड्राइव कर रहे हैं 50 किलोमीटर पर आवर एक कॉन्स्टेंट स्पीड से, तो क्या होगा आपका, यूनिफॉर्म स्पीड, ये होगा आपका यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। चलिए ओके, चलिए। लेकिन अब बताइए कि आपके पास जो है डिस्टेंस दिया हुआ है, और आपको स्पीड पता करना है, तो क्या चीज की रिक्वायरमेंट है बताइए। देखिए पहले क्या होता है, हमने बात की थी कि देखिए स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम। तो सपोज मान के चलिए कि आपको अपने स्कूल तक जाना है, स्कूल तक का जो रास्ता है वो आपका 20 किलोमीटर का है। आप अपने घर से निकलते हैं मान के चलिए कि 9 बजे निकलते हैं, आप स्कूल में पहुंचते हैं 9 AM पे निकलते हैं, आप स्कूल में पहुंचते हैं 10 AM पे, ठीक है। तो बताइए इसका स्पीड कितना होगा, 20 किलोमीटर का रास्ता है आपके घर से स्कूल, और आप निकलते हैं 9 बजे और स्कूल पहुंचते हैं 10 बजे कंटिन्यूसली ड्राइव करके, तो वहां पे स्पीड कितनी है आपकी, राम राम करमजीत कौर, बताइए स्पीड कितनी है, जवाब दीजिए कि आपका स्कूल, आपका घर से स्कूल तक का जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर है, और आप घर से 9 बजे निकलते हैं 10 बजे स्कूल पहुंचते हैं, तो स्पीड कितनी होगी, स्पीड होगी कितना, डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर, टाइम कितना लग रहा है 1 आवर, तो क्या हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी स्पीड है। तो स्पीड के लिए हमें क्या चीज़, कौन कौन सी पैरामीटर की जरूरत है, स्पीड, अगर आपको स्पीड आइडेंटिफाई करना है तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके डिस्टेंस कितना है, और साथ में आपको टाइम भी मॉनिटर करते रहना है कि हम मुझे कितना समय लग रहा है कवर करने में, तभी आप अपने व्हीकल के स्पीड को पता कर सकते हैं, ठीक है, तभी आप बता सकते हैं कि अपना स्पीड कितना है, ठीक है। जनरली जो हम लोग स्पीड जो बोलते हैं, जैसे कोई व्हीकल अगर बोल रही है कि मैंने 100 किलोमीटर प्रति आवर आया है, 100 किलो, उसकी कोई अगर बोल रहा है आपको कि मैं जो ट्रेवल करके आया हूँ तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से आया हूँ, इसका मतलब वो है कि वो आपको एवरेज स्पीड बता रहा है। पहले होगा मान के चलिए 10 किलोमीटर, फिर होगा 20 किलोमीटर, फिर होगा 30 किलोमीटर, एवरेज कितना निकल गया, एवरेज जो निकला वो बताया, ठीक है। चलिए ओके, चलिए ये हमने ऑसिलेशन की बात की थी, ये हमने ऑसिलेटरी मोशन की बात की है, ऑसिलेशन क्या होता है हमने बात की है, ठीक है। अब आप जो बताइए कि
यूनिट क्या होगी, स्पीड की डायमेंशन क्या होगी, स्पीड की सबसे पहला चीज डायमेंशन क्या होगा, स्पीड का डायमेंशन क्या होगा, स्पीड का डायमेंशन क्या होगा, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट क्या है, और इसका कॉमन यूज यूनिट, कॉमन यूज यूनिट क्या है बताइए। स्पीड का डायमेंशन क्या है, स्पीड का डायमेंशन क्या है, डायमेंशन, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस मतलब लेंथ हो गया, टाइम तो क्या हो गया, एल टी इनवर्स वन, ये आपका इसका हो गया डायमेंशन। ऐसा यूनिट क्या होगा स्पीड की, तो स्पीड की देखिए स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर, टाइम का सेकेंड, तो क्या होगा मीटर पर सेकेंड। कॉमन यूज यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। एक सिंपल सा सवाल आप लोग के सामने है, बताइए कौन बता सकता है, 60 किलोमीटर पर आवर को आपको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, कैसे करिएगा, जल्दी करके मुझे बताइए, मुझे फॉर 60 किलोमीटर पर आवर, ये आपका क्या है, ये आपका स्पीड है, ये आपका स्पीड है, इसको आप लोग मुझे कन्वर्ट करके बताइए, इसका ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट मतलब मीटर पर सेकेंड, कैसे कन्वर्ट कीजिएगा आप लोग, कैसे कन्वर्ट कीजिएगा आप लोग, ओमकार, विकास यादव, कपिल, बताइए 60 किलोमीटर है, ठीक है, उसको आप लोग किस तरीके से कन्वर्ट कीजिएगा, स्टूडेंट बताइए क्या बात है, देखिए किसी ने अभी तक नहीं किया इसको, वेरी गुड, देखिए किस तरीके से करेंगे, सिंपल द चीज है, 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर है पर आवर है, तो हमें क्या करना है इसको सेकंड में, मीटर पर सेकंड में करना है, तो 60 इंटू एक किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, एक किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, हो गया, और आवर, एक आवर में कितने मिनट होते हैं, एक आवर में 60 मिनट होते हैं, और एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है, तो हो गया, आप इस तरीके से कीजिएगा 60 इंटू 60 है ना, ठीक है, आप इसको निकाल सकते हैं कितना होगा, इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, जो वैल्यू आएगा इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी देखिए किलोमीटर है, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर का आप मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना होगा, 1000 मीटर होगा, और आवर है तो एक आवर मतलब कितना होता है, 60 मिनट, तो 60 इंटू एक मिनट में कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड, तो हो गया 60 इंटू 60 मतलब 3600 सेकेंड्स, ठीक है, इस तरीके से आप इसको डिवाइड करके कन्वर्ट कर सकते हैं यूनिट में। आपको स्टूडेंट जो है आप मैसेज कीजिए कि आपको क्या प्रिपेयर करना है, मैं यहीं पे आपको बता दूंगा, आप मैसेज कीजिए मैं बता देता हूँ, ठीक है, चलिए, अच्छा ओके चलिए, सो देखिए यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, इसमें क्या किया गया है कि मेजरिंग द स्पीड ऑफ ए बॉल, बच्चे लोग क्या कर रहे हैं कि बॉल का स्पीड कितना है उसको वो मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, एक मान के चलिए 100 मीटर का लाइन खींच दिए हैं और यहाँ पे बॉल रखे हैं, एक आदमी अपना टाइम देख रहा है और उसमें उन्होंने बॉल को रोल किया, तो कितना समय लग रहा है इनिशियल पॉइंट से 100 मीटर तक पहुँचने में, ठीक है, उसे टाइम पता चल गया, डिस्टेंस तो आपको पता ही 100 मीटर है, जितना समय लगा मान के चलिए 30 सेकंड लगा, 40 सेकंड लगा, उससे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ओके। देखिए स्टूडेंट, देखिए आईएएस के जो तैयारी करनी होती है,
आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। बीए बीए के लोग भी टॉप करते हैं, बीएससी के करते हैं, बीकॉम के करते हैं, डॉक्टर लोग तैयारी करते हैं, इंजीनियर्स लोग तैयारी करते हैं, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना। बस आप अपना सब्जेक्ट डिसाइड कर लीजिए कि आप क्या क्या लेके पढ़ना चाहते हैं, और अपना लैंग्वेज डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। चलिए ओके, तो ये छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट था। ओके देखिए, ये बताया गया है आपको किस तरीके से कन्वर्ट करना है, किस तरीके से कन्वर्ट करना है। स्पीड कितना दिया है, 320 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर आपने कन्वर्ट किया इसको, इसको कन्वर्ट करना है तो कितना होगा, 112 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो किस तरह कन्वर्ट कीजिएगा आप, 112 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, आवर है, आवर है, तो किस तरह कीजिएगा, 112 इंटू 1000, 60 मिनट होता है, 60 मिनट, फिर मिनट को कन्वर्ट कीजिएगा तो 60 सेकंड होता है। इस तरीके से आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब आती है कि जो हम लोग बाइक में यूज करते हैं, जो बाइक वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है, वहां हम लोग क्या यूज करते हैं, स्पीडोमीटर यूज करते हैं हम लोग, जो है स्पीडोमीटर यूज करते हैं। जैसे बाइक में हम लोग स्पीड मेजरमेंट करने के लिए जो बाइक है उसमें आप देखते होंगे कि बाइक में क्या रहता है, स्पीडोमीटर रहता है, स्पीडोमीटर रहता है, स्पीडोमीटर रहता है, ठीक है ना, स्पीडोमीटर रहता है। वो क्या मेजर करता है, वो आपकी व्हीकल की स्पीड मेजर करता है, स्पीड मेजर करता है, ठीक है ना, स्पीडोमीटर। एक होता है आपका ओडोमीटर, ओडोमीटर वो भी सेम पर्पस के लिए यूज होता है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आपके स्पीड मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, ग्राफ की बात करते हैं हम लोग, अब हम लोग ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है। तो ग्राफ की बात करते हैं, देखिए ग्राफ जनरली अगर बात कीजिएगा तो जो होता है, देखिए ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, बार ग्राफ हम बताते हैं, बार ग्राफ है, उसके बाद है ये आपका पाई चार्ट है, और ये आपका लाइन ग्राफ है, ये आपका लाइन ग्राफ है, ठीक है। जस्ट ए मिनट, ठीक है। देखिए अगर हम ग्राफ की बात करते हैं, अगर हम ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, पहला आता है बार ग्राफ, बार ग्राफ, बार ग्राफ आता है, बार ग्राफ आता है। तो बार ग्राफ मतलब क्या होता है, जैसे बार ग्राफ यहाँ दिया हुआ है, उसके बाद एक है पाई चार्ट, एक होता है आपका पाई चार्ट, एक होता है आपका पाई चार्ट, फिर होता है लाइन ग्राफ, एक होता है लाइन ग्राफ, ठीक है, लाइन ग्राफ होता है। ये तीन आपके ग्राफ हैं, बार ग्राफ, पाई चार्ट और आपके लाइन ग्राफ। तो देखिए बार ग्राफ को जो एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, जो बार ग्राफ का एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए ठीक है, बार ग्राफ का एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे पहला आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में देखिए पहला ओवर है, ये पहला ओवर है, पहला ओवर में रन कितना बना, 1 रन बना, दूसरा ओवर में रन कितना बना, 5 रन बना, तीसरा ओवर में रन कितना बना, इस तरह। तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब ये जो बार ग्राफ है, बार ग्राफ किस लिए यूज किया जाता है, एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है ना, एक एग्जांपल दे के पहला ओवर में कितने रन बने, इतने रन बने, दूसरा ओवर में कितने रन बने, इतने बने, तीसरा ओवर में इतने रन बने, चौथा ओवर में इतने रन बने, पांचवा ओवर में इतने रन बने, ठीक है। फिर आती है पाई ग्राफ, पाई चार्ट। तो पाई चार्ट है, देखिए जैसे पाई चार्ट है, पाई चार्ट में क्या किया गया है, कंपोजिशन ऑफ एयर शो किया गया, कंपोजिशन ऑफ एयर, जो पाई ग्राफ है, पाई ग्राफ में आप क्या शो कर सकते हैं, कंपोजिशन ऑफ एयर, कंपोजिशन ऑफ एयर, ऑफ एयर, तो एयर में कितने कंपोजिशन, जैसे नाइट्रोजन है, जैसे नाइट्रोजन है कितना परसेंट है, 78% है, ऑक्सीजन है वो कितना परसेंट है, 21% है। तो ये जो पाई चार्ट हो, ये हो गया, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू 100 है, तो इसमें से मैंने क्या किया, इसमें से मैंने सपोज ये जो है, ये क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया, ये जो 21% है ये 78% हो गया, ये आपका ऑक्सीजन हो गया, बाकी आपके रेस्ट ऑफ द गैसेस हो गए, रेस्ट ऑफ द गैसेस हो गए, ठीक है, रेस्ट ऑफ द गैसेस। लेकिन जब अगर हमें स्पीड को रिप्रेजेंट करना, अगर हमें स्पीड को रिप्रेजेंट करना है, देखिए अगर हमें स्पीड को रिप्रेजेंट करना है, स्पीड को रिप्रेजेंट करना है, स्पीड को रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे आपके लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ यूज करेंगे। लाइन ग्राफ का मतलब ये होता है कि सपोज, ठीक है ना, ये हो गया आपका लाइन ग्राफ, ये आपके एक्स एक्सिस है,
ये आपकी y एक्सिस है, y एक्सिस है, ठीक है ना, y एक्सिस है। ठीक है, देखिए लाइन ग्राफ में क्या होता है, ठीक है, ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है, यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है आपका, ये आपका यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे टाइम है, मान के चलिए यहाँ पे वन आवर है, यहाँ पे टू आवर है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है, ये क्या है आपके, ये आपकी आवर है, ये आपकी आवर है, यहाँ पे डिस्टेंस है, ये 10 किलोमीटर है, ये 20 किलोमीटर है, ये 30 किलोमीटर है, ये 40 किलोमीटर है, ये आपकी 50 किलोमीटर है, ठीक है, ये आपकी 50 किलोमीटर है, जो व्हीकल मूव कर रही है सपोज इस तरीके से मूव कर रही है। अगर आपको मैं पूछता हूँ कि यहाँ पे इसकी स्पीड क्या होगी, इस पोजीशन पे क्या स्पीड होगी, इस पोजीशन पे अभी क्या स्पीड होगी बताइए, इस लोकेशन पे व्हीकल की क्या स्पीड होगी, बताइए स्पीड क्या होगी इसकी, देखिए जो अगर जो लोग साइंस बैकग्राउंड के हैं, जो लोग साइंस बैकग्राउंड के हैं वो 8, 9, 10th भी पढ़ सकते हैं, जो लोग नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं वो आप 6 से लेकर 10th तक आप एनसीईआरटी पढ़िए, 6 से लेकर 10th तक एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, बहुत सेलेक्टिव अप्रोच करना है, उसमें जो भी न्यूमेरिकल्स वैल्यू है उसे हमें नहीं समझना है, हमें सिर्फ बेसिक कंसेप्ट समझना है, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन एनालिसिस कीजिएगा यूपीएससी की, तो यूपीएससी में बेसिक से सिर्फ 2-3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर स्टेट पीसीएस की बात करते हैं, जैसे एमपीपीएससी हो गया, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, तो वहाँ बेसिक साइंस से जो है आपके करीब 20 से 26 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखिए मैं, अच्छा मैं इस क्लास के बाद, देखिए ओमकार जी ऐसा है कि सिंपल सा क्वेश्चन करना चाहिए, आवर को आपने, आवर जो उसको आपने कन्वर्ट कर दिया मीटर में, किस तरीके से आवर को आपने कन्वर्ट किया, आवर जो है 40 किलोमीटर सपोज 40 किलोमीटर पर आवर है ना, तो 40 × मीटर आवर जो है 60 मिनट हो गया, एक मिनट में कितने 60 सेकंड रहते हैं, ठीक है, तो निकल जाएंगे। अभी देखिए मैं बात कर रहा था, मैं क्लास के बाद आपसे, आप लोगों को बताता हूँ जो है स्टूडेंट, ठीक है, देखिए तो हम लोग स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, लाइन ग्राफ यूज़ करते हैं। लाइन ग्राफ में देखिए वाई एक्सिस है, इसमें डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस में क्या है आपके टाइम दिए हुए। अगर मैं इस पॉइंट में बोलता हूँ कि स्पीड कितना है, तो देखिए स्पीड इस पॉइंट पे कितनी है आपकी, तो आप लोकेट कर सकते हैं, डिस्टेंस कवर कितना है, 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर है, समय कितना है, 2 आवर्स है ना 2 आवर्स है, तो कितना हो जाएगा 12.5 किलोमीटर पर आवर निकाल सकते हैं। तो हम लोग जो स्पीड के लिए जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं वो हम लोग लाइन ग्राफ यूज़ करते हैं, आप उसे आराम से आप स्पीड लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए, सो यही था इस चैप्टर में, बाकी कुछ उतने खास नहीं है। ठीक है, यही सब बताया गया इस चैप्टर में, कुछ उसी तरह जो मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया है वही बताया गया है। ठीक है, चलिए, और चीज़ें जो है रिक्वायरमेंट नहीं है, देखिए, ठीक है, तो हमने सब समझा है क्या होता है, हमने जो है आज बार ग्राफ समझा क्या होता है, ग्राफ देखा कि ग्राफ जो है बार ग्राफ है, पाई चार्ट है, लाइन ग्राफ है, हम लोग स्पीड को लाइन ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन जिसकी स्पीड जो है हमेशा चेंज करते रहती है, उसके बाद हमने देखा था कि ऑसिलेशन क्या होता है, सिंपल पेंडुलम क्या होता है, स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस होता है अपॉन टाइम होता है, टाइम हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है यूनिट ऑफ टाइम आपका सेकंड होता है। ठीक है, यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है, सेकंड होता है। सो दिस इज द एंड ऑफ माय सेशन, थैंक यू एवरीवन। देखिए क्या है स्टूडेंट, सर क्या ओडिशा को लिखा जा सकता है आईएएस एग्जाम में? देखिए जब साइंस की जो आप लोग साइंस की बात कर रहे हैं, तो यूपीएससी में साइंस से रिलेटेड सिर्फ 2-3 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, मेंस में इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि यूपीएससी में अप्लाइड साइंस एंड टेक पूछा जाता है, तो अप्लाइड साइंस एंड टेक को समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक साइंस का नॉलेज
होना चाहिए। अब रही बात स्टेट पीसीएस के लिए, चाहे उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, वहाँ बेसिक साइंस का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों? करीबन 22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि सियोर शॉर्ट रहते हैं अगर आप सही से साइंस पढ़ते हैं। यहाँ तक कि अगर आप लूसेंट जो किताब है, लूसेंट जो जनरल स्टडीज की जो बुक आती है, उसमें से 78-80 पेजेस रहते हैं जनरल साइंस के, अगर आप वो पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं और कंप्लीट करने के बाद आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो 22 में से आप 22 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ठीक है, हाँ उड़िया देखिए जो सीता सिंह सर एनसीईआरटी को पढ़कर, देखिए सर आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा सर, वेरी हेल्पफुल फॉर अस। देखिए सर एनसीईआरटी को पढ़ के लूसेंट बुक पढ़ सकते हैं क्या, प्लीज़ टेल मी। देखिए इसीता दो चीज़ें इसमें, दो कंसेप्ट समझिए, दो जो कंसेप्ट मैं बताता हूँ। अगर आप यूपीएससी का स्टडी कर रहे हैं, यूपीएससी के लिए स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वहाँ जो बेसिक साइंस जो है, बेसिक साइंस जो है वहाँ से सिर्फ दो और तीन ही क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर पीसीएस की बात करते हैं, स्टेट पीसीएस की बात करते हैं, तो वहाँ जो है वहाँ आपका करीबन 20 से 26 क्वेश्चन तक आते हैं। अब कैसे पढ़ा जाए, तो कैसे पढ़ा जाए, देखिए आप पहले जो एनसीईआरटी हैं, एनसीईआरटी है 6 से 10 तक पढ़ लीजिए, उसमें हाईलाइट कर लीजिए। जब कंसेप्ट क्लियर हो जाए, जब आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तो आप जो है लूसेंट से रिविज़न कर लीजिए, लूसेंट से रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि जो लूसेंट है वो आपका टोटल साइंस आपका 78 पेजेस में दिया हुआ है। और जब हम कभी भी कोई पेपर अटेंड करते हैं तो लास्ट का समय जो वो क्रिटिकल टाइम रहता है उसमें रिवीजन नहीं हो पाती है। रिवीजन ना होने के कारण क्या होता है कि एक दो क्वेश्चन जो हम गलत कर देते हैं, तो लास्ट के टाइम में ये बहुत हेल्पफुल रहता है क्योंकि 78 पेजेस में सारे फैक्ट्स दिए होते हैं। लेकिन ये आप तभी पढ़ पाएंगे जब आपका कंसेप्ट क्लियर है। तो जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन किसके लिए, स्टेट पीसीएस के लिए। ओके, और देखिए यहां पे जो है एग्जामपुर में आपकी पेड कोर्सेज भी चल रही है। अगर आप कहीं और कोचिंग करने जाते हैं तो वहाँ करीबन आपको 1.5 लाख से 2 लाख रुपया फीस लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो कोचिंग जो चल रही है, एक हिंदी मीडियम में चल रही है और एक इंग्लिश मीडियम के लिए चल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो फीस है मात्र 10,000 है। आप 10,000 समझते हैं कितनी, दिल्ली में अगर आप रहने आइएगा तो 10,000 तो रेंट होता है। पूरी कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगा आपकी बिफोर प्रीलिम्स दिस ईयर, और जो फीस है आपका मात्र 10,000 है, ठीक है ना। दे आर चार्जिंग ओनली 10,000 रुपीज़। इट्स ए बोलते ना, इट्स जस्ट ए पीनट थिंग्स इफ यू कंपेयर अदर कोचिंग। दे आर चार्जिंग मोर देन 2 लाख रुपीज। ओके, सो आप चाहे तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो थैंक यू एवरी वन, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स।